आज है 20 जून 2020 और अभी हम हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कन्हई ग्राम में। ये हमने पानी के अंदर अंडा डाला हुआ है, ये हमने डाला है 17% नमक के घोल को बनाने के लिए। तो अभी हम ले रहे हैं हमारा ये देसी बीज और इस बीज को हमको छटाई करना है नमक के घोल से। ये छटाई केवल धान की खेती के लिए, धान के बीजों को छटाई करने का विधि है। ये देसी विधि है हमारी, प्राकृतिक खेती शोध संस्था भोपाल इस विधि को पिछले कुछ जो वर्षों से किसानों को बताते आ रहा है। हम अभी देखिए एक स्वस्थ अंडा पानी के अंदर डाले तो अंडा बैठ गया, अब हम इसमें नमक डालेंगे। ओके, अभी देखिए हम इसमें नमक डालेंगे, नमक डालते जाएंगे और इतना डालेंगे कि जो है अंडा ऊपर आके तैरने लगे। अभी जो है ये अंडा जब ऊपर आके तैरने लग जाए तो आप ये समझिए कि हमारा घोल तैयार हो गया। दरअसल ये 17% नमक के घोल बनाने का देसी फार्मूला है। और अगर अंडा ऊपर आके तैरने, देखिए अंडा ऊपर आके तैरने लगा, अब हमारा अंडे का काम हो गया। अगर आपके पास अंडा नहीं है तो इसी आकार का आप आलू भी ले सकते हो, आलू भी ऐसे ऊपर आके तैरने लग जाता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, अंडे का हमारा काम हो गया, वापस हमने इसको कर दिया, हमारा घोल बन गया। अब इस घोल में हमें डालना है बीजों को, तो हम इस पे बीज डालेंगे। ये बीजों को डाल देंगे, अब इसमें जो ऊपर बीज तैरने लगे हैं इनको हमको हाथ से निकाल के अलग कर देना है। ये ऊपर वो बीज हैं जो पोचे हैं, हम चाय छन्नी की मदद से भी इन बीजों को निकाल सकते हैं ऐसे। ये बीज वो हैं जो उगते तो हैं लेकिन ये बीज में, इन्हीं बीजों में बीमारी रहती है, कुपोषित पंगु बीज हैं, इनको निकालना ज़रूरी है। और ये 17% नमक के घोल से ही निकलता है, आप किसी ग्रेडिंग मशीन से इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब जो बीज अच्छे बीज बच गए हैं उन बीजों को हमको जो है टोकनी में निकाल लेना है। ये अच्छे बीज देखिए नीचे से आ रहे हैं, इन बीजों को इसमें निकाल लेना है। ये अच्छे बीज हैं, सब इन बीजों को हमको निकाल लेना है। देखिए इतने सारे बीज निकलते हैं, ये सब बीज कुपोषित बीज हैं। ये चाहे आप किसी भी चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी का लो बीज, किसी कंपनी का लो या किसी किसान के पास से लो, ये प्रक्रिया आपको करना ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रेडिंग मशीन में ये बीज की छटाई नहीं होती है। देखिए अभी कितने सारे बीज निकल गए। ये अच्छे बीज हैं, इनको ऐसे निकाल निकाल के,
ये देखिए हमने 6 किलो बीज की जो है छटाई की है, 6 किलो बीज की छटाई में इतना इतना जो है कुपोषित बीज आया है। ये सब बीज उगते इनमें चावल भी निकलता है, ये सब उगने वाले बीज हैं, उग जाएंगे ये, ठीक है, पर ये कुपोषित हैं तो बीमारी की शुरुआत सबसे पहले इनसे ही होती, फिर अच्छे बीजों में भी जाती है। तो अभी देखिए हमने 1 किलो बीज, 6 किलो में 1 किलो बीज निकाल लिया, और ये किसी भी कंपनी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, या किसी भी जो है किसान से आप बीज लेते हैं तो ये बीज निकलेगा, क्योंकि ये ग्रेडिंग की छटाई से नहीं निकलते हैं। तो ऐसी 17% नमक का घोल बनाकर करेंगे। अभी हम अंडे को देखो डुबाते हैं, ठीक है, आप बीच बीच में अंडे को ऐसे डुबा के देख लें, अगर अंडा ऊपर तैर रहा है तो आप समझिए कि आपका नमक का जो 17% घोल है वो बरकरार है। थोड़ा पानी डालो इसमें, अभी हम कुछ पानी और डालते हैं क्योंकि पानी कम हो गया है। देखिए हमने पानी बढ़ाया तो अंडा थोड़ा नीचे चला गया, ये ऊपर है लेकिन अभी नीचे चला गया है। एक और डब्बा पानी लाइए।